पूरे देश में कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। कुल्लू जिला में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कोरोना वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया। कुल्लू जिला में सबसे पहले क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात रेडियोग्राफर विक्रम ठाकुर को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के 100 कर्मचारियों को टीका लगाया गया। कुल्लू जिला में पहले चरण में 4,275 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। कुल्लू जिला में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कोरोना वैक्सीन अभियान का शुभारंभ किया। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, 102, 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आयुष डॉक्टर इस मौके पर उपस्थित रहे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ दिल्ली से किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के IGMC से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में भी कोरोना वैक्सीन अभियान को शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले रेडियोग्राफर विक्रम ठाकुर को पहला टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों में अब कमी आ रही है। कुल्लू जिला में अब सिर्फ 16 एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में तैनात रेडियोग्राफर विक्रम ठाकुर ने टीका लगाने के बाद कहा कि उन्हें कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का इंजेक्शन लगाते समय कांटे की चुभन के बराबर ही दर्द हुआ है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने को लेकर जो अफवाह फैली है वो पूरी तरह से गलत है। सबसे पहले ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि स्वास्थ्य कर्मचारी होने के नाते, हम एक्सरे टेक्नीशियन RH कुल्लू होने के नाते मुझे ये सबसे पहला टीका लगा, ठीक है जी, जिला कुल्लू में। और ये इसके लिए मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। मेडिकल फील्ड वालों को हमेशा आगे आना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड वालों को फ्रंट लाइन में ही होना चाहिए इस मामले में। अगर हम लोग बैकफुट पे चले जाएंगे, आम सिविलियन का क्या होगा? उनके मन में तो भ्रामकता फैली हुई है, भ्रम फैला हुआ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन आएंगे। इन चीज़ों को दरकिनार करना चाहिए हम लोगों को। ये तो जस्ट लाइक ये पोलियो वैक्सीन, BCG, ये टीके जो टेटनस के टीके बच्चों में लगाए जाते हैं वैक्सीनेशन, ये आमतौर पर सिंपल सी वैक्सीनेशन है। कोई ऐसा नई चीज़ नहीं हुई है कि मतलब कोई नया टीका लगा दिया, ये हमें आम सी बात है। तो इसलिए हमें आगे आना चाहिए। तो हम लोग आगे नहीं आएंगे तो फिर ये कैसे चलेगा? इसलिए कि मेरी सबसे अपील है कि सबको मतलब आगे आना चाहिए इस काम के लिए। जो वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन से नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए कोरोना जैसी बीमारी से। इस बीमारी को दूर करने के लिए जो टीका आया है, ये तो खुशी की बात है कि वैक्सीनेशन करवा लो। अब ऐसे भ्रामकता फैलाई हुई सोशल मीडिया में इधर उधर की, बोलते लोग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोगों ने दूर कर दिया आज की डेट से, 16 तारीख से। पहली जो हमने यहाँ पे फ्रंट लाइन पे यहाँ पे काम किया, जैसे वैक्सीनेशन करवा दिया, अब तो लोगों के मन से भय दूर हो जाना चाहिए। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।